रुद्रप्रयाग में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जनरल और ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल से जहां ऑफिसों में सन्नाटा पसरा है, तो वहीं आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जनरल और ओबीसी कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ पिछले पांच दिन से हड़ताल पर हैं और सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। आम आदमी सरकारी काम करने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारों से चेताया जा रहा है। हम सारे कर्मचारियों ने एक मन बना रखा है कि हम जितने भी जनरल और ओबीसी वाले हैं, सारे एम्प्लॉइज, जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, अधिकारियों को हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और जिस दिन से प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा एक आह्वान किया जाएगा कि सारे अधिकारियों को भी कार्यालयों से खींच दो और उनको भी अपने साथ जुलूस में शामिल करो, उस दिन कोई भी अधिकारी वहाँ कार्यालय में नहीं बैठ पाएगा। आज की डेट में हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से 100% जनरल ओबीसी हमारे साथ में है। और जब तक सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं किया जाता है और पदोन्नति का ये रास्ता प्रशस्त नहीं किया जाता है, वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को हड़ताल पर लाने के लिए एसोसिएशन ने संचल दस्ते बनाए, जो विभागों में जाकर कार्यरत कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं कहीं कहीं कार्यरत कर्मचारियों पर जबरन दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे में विभागों में अपना काम लेकर आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। वहीं सरकार के नो वर्क नो पे आदेश की धरना स्थल पर प्रतियां भी जलाई गई। वो नो वर्क नो पे का जो शासनादेश जारी किया है, पहले तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि जो उसमें डेट डाली गई है वो 2 फरवरी की डाली गई थी, उसको काट करके 3 मार्च कर दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सरकार की असंवेदनशीलता है। हम नो वर्क नो पे किया, अंतिम जो जहाँ तक भी सरकार हमें पनिशमेंट देना चाहे, इस मामले में हम झुकने को तैयार नहीं है। इस मांग को हम मांग के रहेंगे जहाँ तक होगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा कि जहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है और कार्मिक धरने पर बैठे हुए हैं। जनरल और ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जब तक मांगे नहीं मानी जाती, तब तक अपनी मांगों पर अडिग है और भविष्य में इस आंदोलन को और भी मुखर करने की रणनीति बना रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।